Congress is organizing the Vishwasghaat Diwas, Betrayal Day, on 26 May across the country in every state and district capital as the Bhartiya Janta Party celebrates the completion of 4 years of its government on the same day. इनकी कथनी व करनी में अंतर है, नीति व नियत में फर्क है, हिपोक्रेट लोग हैं ये लोग, फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र में यकीन नहीं लोगों का। अगला चुनाव जो है कांग्रेस और जो पार्टी हैं लाइक माइंडेड उन सबको साथ लेके मैदान उतरे और अगले चुनाव में किसी भी तरह मोदी गवर्नमेंट जो फासिस्ट है जो भ्रष्ट है जिसने बर्बाद कर दिया मुल्क को निराश कर दिया है भट्टा बैठा दिया है हर वर्ग का सब लोग दुखी हैं उनसे छुटकारा कैसे मिले युवा के साथ विश्वासघात किसानों के साथ विश्वासघात व्यापारी वर्ग के साथ विश्वासघात किया जो वादे किए थे वो नहीं निभाए गए कांग्रेस ने कभी जश्न नहीं मनाया एक साल का दो साल का तीन साल का चार साल का इनको मैं देख रहा हूँ राज्यों के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी जिस शानोशौकत से ये जश्न मनाते हैं और जो पैसे खर्च करते हैं धनबल का प्रयोग करते हैं पैसों में कल्पना के बाहर की बात है देश का हर कांग्रेस जन छोटा नेता है बड़ा नेता है वो मैसेज जा चुका है राहुल गांधी जी का हम सब मिलकर के एकजुट होकर के कैसे मैदान में उतरेंगे और 2019 के चुनाव और पहले आएंगे चुनाव राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मिजोरम के उस पर हम अवश्य विजय होंगे ये सोच करके मैदान में उतरना चाहते हैं हम जानते हैं कि दबाव बहुत ज़्यादा है मीडिया पर हमें कोई भ्रम नहीं है राज्यों में भी है केंद्र में भी है उसके बावजूद जो लिखने वाला है जो दिखाने वाला है वो काफ़ी हिम्मत से चल रहा है जो भी हमने देखा है कर्नाटक के अंदर देखा हमने कर्नाटक की घटनाएं ने सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से मीडिया अपनी भूमिका निष्पक्ष निभाने का प्रयास कर सकता है दबाव के बावजूद भी जो आपने कर दिखाया तो इन हालातों में ये मुल्क आज चल रहा है लोगों में बहुत भय है अविश्वास है हिंसा का माहौल है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको